जीवन के कई रंग रूप हैं, विविधताएं हैं, जीत है, हार है, लाखों पल हैं जीवन को अलग अलग रंगों में महसूस करने के लिए। इन रंग बिरंगे पलों में ढेरों इच्छाएं हैं जिनकी बदौलत हम अपने जीवन में कई अलग अलग परिणामों तक पहुंचते हैं, जैसे नौकरी, शादी, घर, कार, जमीन, बच्चे इत्यादि। लेकिन जीवन में हम अक्सर महसूस करते हैं कि कभी कभी कुछ परिणाम किसी तीसरे परिणाम के रूप में हमें प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक कार खरीदी और दूसरे दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने जोड़ जोड़ के जमीन ली पर वो विवादित निकली। किसी के घर एक बच्ची का जन्म हुआ और दूसरे दिन ही उसके पिता का प्रमोशन हो गया। तो दूसरी तरफ कभी कभी ये प्रभाव किसी तीसरे परिणाम के रूप में ना होकर उसी परिणाम को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोबाइल खरीदा पर वो बार बार खराब होता रहे या सालों साल चलता रहे। हम किसी न किसी रूप में जीवन में मिलने वाले परिणामों की मौजूदगी में प्रभावित होते हैं। ये प्रभाव कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, और अक्सर हम इन प्रभावों को भाग्य से जोड़कर देखते हैं। पर प्रश्न ये है कि कोई परिणाम हमें प्रभावित कैसे करता है? ऐसा क्यों होता है कि एक ही कीमत चुकाकर प्राप्त किया गया परिणाम एक पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो दूसरे पर सकारात्मक? क्या कोई एक ऐसी शक्ति हमारे स्वरूप के परे रहकर यह तय करती है कि हम किस परिणाम से किस प्रकार प्रभावित होंगे, और क्या इन प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है? आइए पता करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें 8 ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उसकी परिक्रमा करते हैं और अपनी प्लैनेटरी पोजीशन के कारण सूर्य की मौजूदगी में अलग अलग रूप में प्रभावित होते हैं। हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि जीवन को पनपने और उसे विकसित करने में पूरी तरह प्रभावशाली है। यानी सूर्य वो यूनिवर्सल इन्फ्लुएंसर है जिस पर ना केवल लाइफ बल्कि पूरा सोलर सिस्टम केंद्रित है, जो सबको अपनी मौजूदगी में प्रभावित करता है। सोलर सिस्टम के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जिससे सूर्य का प्रभाव कांस्टेंट टाइम स्पीड पर प्रत्येक ग्रह की उनकी कक्षा में पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है। इसे यदि और आसान भाषा में कहें तो अर्थ या बाकी ग्रह एक ही गति पर एक ही कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे सूर्य का प्रभाव प्रत्येक ग्रह के लिए एक समय पर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यदि किसी परिणाम की समय में आगे बढ़ने की गति कांस्टेंट है तो उसके लिए समय के परिवर्तन का प्रभाव भी कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर का समय के साथ बूढ़ा होना, जो कि दिखाता है कि हमारी गति हमेशा एक समान रहती है। हम 90 साल के तब ही होंगे जब 90 साल समय में आगे बढ़ चुके होंगे, और 90 साल आगे तब बढ़ेंगे जब 90 बार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा चुकी होगी। तो यूनिवर्सल इन्फ्लुएंसर का प्रभाव सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स पर है जो कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे हैं, पर उनका क्या जिनकी स्पीड वेरी करती है? फॉर एग्जाम्पल, आज यदि किसी की उम्र 20 वर्ष है तो एक वर्ष बाद वो निश्चित रूप से 21 वर्ष का होगा, पर यह निश्चित नहीं कि वह 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा या नहीं। यह निश्चित है कि हर एक व्यक्ति एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, पर यह अनिश्चित है कि हर एक व्यक्ति करोड़पति होकर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यानी कि जीवन की गति तो निश्चित है पर उसमें होने वाली घटनाएं अनिश्चित। कब जीरो से हीरो और कब हीरो से जीरो हो जाए पता नहीं, कब ढेरों खुशियां मिल जाएं और कब दुखों का पहाड़ टूट पड़े कुछ पता नहीं। तो इस घटती बढ़ती अवस्था में संतुलन लाने के लिए एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो होने वाली घटनाओं से पहले ही उसे प्रभावित कर उसका हम पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित कर सके। यानी एक इन्फ्लुएंसर की, जो कि दो प्रकार के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पर इससे पहले कि हम ये समझें कि इन्फ्लुएंसर होते कौन हैं और कैसे ये काम करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें एक इन्फ्लुएंसर की आवश्यकता होती ही क्यों है। मान के चलिए आप अपने दोस्त के साथ एक खूबसूरत नज़ारे को अपनी दूरबीन से निहार रहे हैं। वास्तविकता से दूर आप अपने ही
परसेप्शन में खोए हुए हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे जब आपका परसेप्शन ही होने वाली घटना के बारे में गलत जानकारी दे रहा हो? ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद इस परसेप्शन का हिस्सा हैं। आप वही ऑब्जर्व करेंगे जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें एक ऐसे परिणाम की आवश्यकता होती है जिसका परसेप्शन हमसे अलग हो और वे उन जानकारियों को देखकर उन्हें इन्फ्लुएंस करके हमारे आने वाले भविष्य को प्रभावित कर सके। पर ऐसा होता क्यों है कि हमारे परसेप्शन और पूर्ण वास्तविकता में अंतर होता है? क्यों हम किसी घटना को नहीं देख पाते? क्यों कोई नहीं देख पाता कि आज उसका एक्सीडेंट होने वाला है या उसे उसका बिछड़ा प्यार मिलने वाला है? इसका मुख्य कारण है हमें मिलने वाली ऊर्जा की अलग अलग प्रवृत्ति या टाइम स्पीड लिए होना। आइए जानते हैं कैसे हमें मिलने वाली ऊर्जा के निर्माण की शुरुआत समय के उन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से होती है जिन्हें सेल्स कहते हैं। प्रत्येक सेल में समय की ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है जिसे एक सेल की इंटेंसिटी कहते हैं। ऊर्जा की यही मात्रा उसके लिए समय में उसकी गति तय करती है। समय की इसी गति पर ट्रेवल करते हुए अपने जैसे अन्य सेल से जुड़कर एक इन्फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं और इस तरह एक इन्फॉर्मेशन अन्य दूसरी इन्फॉर्मेशन से एक यूनिक श्रृंखला में जुड़कर एक रिजल्ट का निर्माण करती है। जैसे मैं, आप, ये ब्रह्मांड और तमाम वो चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं। अब किसी रिजल्ट जैसे कि आप में मौजूद लाखों सेल्स की इंटेंसिटी यानी टाइम स्पीड अलग हो सकती है, पर क्योंकि ये सभी सेल्स अब एक रिजल्ट का हिस्सा हैं तो अपनी ऊर्जा को एक सिंगल कॉज यानी एक रिजल्ट में कन्वर्जन के लिए प्रत्येक सेल इंडिविजुअल सेल के रूप में ना होकर एक कंप्लीट एनर्जी सोर्स के रूप में कनेक्ट होते हुए अपने रिजल्ट के लिए एक कांस्टेंट टाइम स्पीड तय करते हैं, जिस वजह से हमारे जीवन की गति निश्चित और स्टेबल नजर आती है। इस ऊर्जा को कंसोलिडेटेड एनर्जी ग्रुप या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो आपकी शारीरिक रचना यानी समय में भौतिक स्वरूप के लिए जिम्मेदार होती है। हमारी कांस्टेंट स्पीड होने के कारण ही हम किसी भी होने वाली घटना को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि वह हमारी समय की गति पर ना पहुंच जाए, यानी वर्तमान में। इसी ऊर्जा का दूसरा रूप एक फ्री फॉर्म यानी आज़ाद ऊर्जा के रूप में हमारी चेतना का निर्माण करती है, जिसे सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ऊर्जा का यह भाग हमारे जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां लिए तय करता है कि आप अपने जीवन में कौन से परिणामों को पाएंगे और कौन सी घटनाओं से किस प्रकार प्रभावित होंगे। इस ऊर्जा का अनस्टेबल या आज़ाद ऊर्जा के पीछे मुख्य कारण है हमारी लगातार बदलती ज़रूरतें, यानी कुछ भी निश्चित ना होना। तो इन बदलती ज़रूरतों और प्रवेश के बीच सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन अपनी ऊर्जा में ज़रूरत के अनुसार बदलाव तथा नई जानकारियां जोड़कर हमें नित नए परिणामों तथा घटनाओं तक पहुंचाकर संतुलन लाती है और यह क्रम जीवन भर लगातार जारी रहता है। तो इसका मतलब होगा जहां प्राइमरी इन्फॉर्मेशन यानी हमारे शरीर के लिए समय का प्रभाव एक कांस्टेंट टाइम स्पीड पर रहता है, तो वहीं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन की टाइम स्पीड यानी उसकी इंटेंसिटी हमेशा बदलते प्रवेश के कारण घटती बढ़ती रहती है। पर क्या होता यदि दोनों ही ऊर्जाएं कांस्टेंट होती? तो यकीन मानिए आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि सब कुछ निश्चित होता। हमारी ज़रूरतें, चाहे गए परिणाम, सब कुछ एक नियत समय पर हम तक पहुंच जाते। पर इससे एक चीज़ सदा के लिए रुक जाती, परिवर्तन। कुछ भी नहीं बदलता, जो जाता वही लौट आता, और इससे समय के परिवर्तन के नियम का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो समय ने एक चीज स्टेबल और उसकी सहायक ऊर्जा को अनस्टेबल कर दिया, जिससे जीवन को संघर्ष करना पड़े अपना वजूद बनाए रखने के लिए। वाकई अद्भुत है। 1927 में वर्नर हेजनबर्ग ने प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार क्वांटम फील्ड में किसी एक समय पर एक पार्टिकल की गति, दिशा या ऊर्जा अनिश्चित रहती है, यानी कि वो हमेशा बदलती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी रिजल्ट या मैटर की माइक्रोस्कोपिक अवस्था पूरी तरह अनियंत्रित और अनिश्चित है।
अब क्योंकि सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन एक फ्री फॉर्म एनर्जी है, तो इसमें मौजूद अलग अलग टाइम स्पीड लिए सेल्स टाइम फील्ड में हमारे आसपास मौजूद परिणामों की एनर्जी से इंटरेक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन से सेल्स एनर्जी लूज करते हैं, गेन करते हैं, दूसरे सेल से बॉन्ड्स बनाकर नई नई इन्फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, जो कि एक समय के बाद अलग अलग परिणामों की शक्ल में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसे यदि दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे आसपास मौजूद प्रत्येक परिणाम से हमारी एनर्जी के इंटरेक्शन से निकलती जानकारी हमें लगातार प्रभावित करती है। यानी इन इंटरेक्शंस और इनसे होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, पर हाँ, ऊर्जा के बीच हो रहे इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस या प्रभावित कर आने वाले परिणाम के हम पर पड़ने वाले प्रभाव को कम या ज़्यादा जरूर किया जा सकता है। इन्हीं प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए हम ऐसे परिणामों का उपयोग करने लगे जो हमारी एनर्जी को किसी तीसरे परिणाम के दुष्प्रभाव से बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी में रत्नों, ग्रह शांति, गहनों, खासकर अंगूठी, धागा, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में दिशाओं, भूमि परीक्षण इत्यादि का प्रयोग। ऐसे सभी परिणाम जिन्हें हम अपनी ऊर्जा को किसी दूसरे परिणाम के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसिव इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसे प्रत्येक इन्फ्लुएंसर किसी व्यक्ति की एनर्जी को तब तक ही इन्फ्लुएंस कर सकता है जब तक कि उसकी इंटेंसिटी होने वाले परिणाम या घटना की इंटेंसिटी के या तो बराबर हो या ज़्यादा। इंटेंसिटी के कम होने पर वह इन्फ्लुएंसर किसी भी कंडीशन में होने वाले परिणाम या घटना के प्रभाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। यहाँ इंटेंसिटी से मतलब है किसी इन्फ्लुएंसर की टाइम स्पीड, और टाइम स्पीड तय होती है उस परिणाम में मौजूद सेल की ऊर्जा की तीव्रता या प्रवृत्ति पर। मान के चलिए इस पैसिव इन्फ्लुएंसर के पास तीन सेल हैं जिनकी इंटेंसिटी बढ़ते हुए क्रम में कुछ इस प्रकार है, तो यह इन्फ्लुएंसर सिर्फ ऐसे परिणामों और घटनाओं के प्रभाव को नियंत्रित कर सकेंगे जिनकी इंटेंसिटी या तो 6 हो या 6 से कम। तो एस्ट्रोलॉजी या वास्तुशास्त्र में बताए गए ऐसे सभी इन्फ्लुएंसर्स का जीवन की सभी घटनाओं को प्रभावित कर पाना अपने आप में संदेह पैदा करता है। तो बदलते जीवन के प्रवेश और जानकारियों से पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी इंटेंसिटी फिक्स ना रहकर समय के साथ घट या बढ़ सके, यानी एक दूसरे इंसान की। तो हमारी ऊर्जा जो अपने लिए खुद का एक इन्फ्लुएंसर चुनती है, एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो हमारी इस इकलौती दुनिया में दो ही मुख्य परिणाम हैं, पहला है नर और दूसरी मादा। पर ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों है कि नए सृजन की शक्ति सिर्फ फीमेल्स के पास ही है और नर केवल नए सृजन की सूचना भर पहुंचाता है? ऋग्वेदा के 10वें अध्याय में देवी शुक्ता के श्लोक में फीमेल को इस ब्रह्मांड की सर्वोपरि सर्वशक्तिशाली शक्ति बताया गया है जो आधार देती है इस पूरी कायनात को। यदि श्लोक की गहराई और आज मौजूद तथ्यों पर नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि जिस सृष्टि को आज हम देखते हैं उसमें बहने वाली ऊर्जा का बंटवारा दो हिस्सों में है, यानी नर और मादा। समय की ऊर्जा का यह बंटवारा लगता ऐसा है, पर दरअसल है ऐसा, जिसे सर्कल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। इसका एक भाग एम फील्ड यानी नर ऊर्जा क्षेत्र और एक भाग एफ फील्ड यानी मादा ऊर्जा क्षेत्र कहलाता है। और जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, समय की ऊर्जा सर्वप्रथम एफ फील्ड की रचना करती है और एफ फील्ड इस ऊर्जा से एम फील्ड, जो कि समय के इस पूरे चक्र को पूरा करता है नए सृजन के रूप में। तो ताज्जुब की बात नहीं होगी कि समय में बनने वाला सबसे पहला परिणाम एक मादा थी, जिसने अपनी नए सृजन की जानकारियों को डाइवर्सिफाई यानी उसमें वर्गीकरण लाने के लिए अपने सहयोगी एम फील्ड को जन्म दिया। जिस प्रकार दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार विपरीत ऊर्जा प्रवाह लिए ये दोनों फील्ड एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, यानी एक मादा से बहती ऊर्जा नर को प्रभावित करती है और इस प्रकार मादा बन जाती है नर की एक्टिव इन्फ्लुएंसर।
मान के चलिए कोई व्यक्ति एक्स अपनी कार से 80 किलोमीटर दूर अपने घर जा रहा है। उसे लगभग 40 किलोमीटर दूर एक ट्रक चालक शराब पीकर उसकी ओर आ रहा है। यहाँ एक्स की सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में मौजूद इस इन्फॉर्मेशन में मौजूद सेल्स और ट्रक और चालक की एनर्जी में मौजूद सेल्स के बीच होते एनर्जी इंटरेक्शन से जन्म लेती कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ही देर में एक परिणाम के रूप में एक्स की लाइफ को प्रभावित करने वाली है और यह परिणाम है एक जानलेवा एक्सीडेंट। क्वांटम फील्ड थ्योरी से हम जानते हैं कि एक पार्टिकल बिना स्पीड और टाइम की बाउंड्री के एक दूसरे सेल से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक्स की इन्फ्लुएंसर वाई जो कि एक्स की वाइफ है और घर पर आराम से टीवी देख रही हैं, एक्स की अन्य दूसरी इन्फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने लगती हैं, जिससे होने वाले परिणाम से पहले किसी दूसरे परिणाम को जन्म देकर होने वाले परिणाम को प्रभावित कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की कार का अचानक पंचर हो जाना। इससे उस होने वाले इवेंट और एक्स की पोजीशन के बीच टाइम डिफरेंस आने से होने वाली घटना प्रभावित हो जाती है और फलस्वरूप एक्स बिना किसी हानि के घर पहुंच जाता है। शायद तभी श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी श्रद्धा भाव से कहा है, जो हो रहा है वह सबसे अच्छा है और जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी हम किसी घटना, खासकर दुखद घटनाओं को लेकर शिकायत करते हैं या भूलकर कि इससे भी बुरा हो सकता था। मेल और फीमेल की एनर्जी लाखों सेल्स से मिलकर बनी होती है। फीमेल से बहती हुई एनर्जी मेल में ट्रांसफर होते हुए कॉस्मिक एनर्जी के रूप में दो फोर्सेस तैयार करती है, जिन्हें वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। वीक फोर्स में, जैसा आप देख सकते हैं, दोनों ही एनर्जी में मौजूद सेल्स की इंटेंसिटी अलग अलग है, यानी ये सभी सेल्स एक दूसरे को इतना प्रभावित नहीं करेंगे जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड में, जहां सभी सेल्स की इंटेंसिटी कॉमन है। यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड में आने वाले सभी सेल्स से बनने वाले परिणामों को दूसरी ऊर्जा में ट्रेवल करते सेल्स अपनी मौजूदगी से प्रभावित करते हैं, और जितने अधिक ये कॉमन सेल्स होंगे उतना ही अधिक उनसे बनने वाले परिणाम हमारे लिए प्रभावशाली होंगे। किन्हीं दो परिणामों के बीच बनने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड ही हमारे लिए हमारा इन्फ्लुएंसर तय करता है। यानी जिन परिणामों के बीच एक समय पर सबसे ज़्यादा कॉमन इंटेंसिटी लिए सेल्स होंगे वो उतने ही एक दूसरे के इन्फ्लुएंसर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के लिए उसकी माँ। समय के साथ ये सभी इन्फ्लुएंसर्स बदलते रहते हैं। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन की इंटेंसिटी घटने बढ़ने से समय में आगे जिन रिजल्ट्स के बीच कॉमन इंटेंसिटी सेल्स की संख्या सबसे अधिक होती है, वे अपने पिछले इन्फ्लुएंसर को छोड़कर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर ब्रदर, वाइफ हस्बैंड एक्सेट्रा। पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि कोई इन्फ्लुएंसर आपके क्लोज रिलेशनशिप में ही हो। जिस भी रिजल्ट से किसी के सबसे अधिक कॉमन इंटेंसिटी सेल्स की संख्या मिलती होगी, वो उतने ही अधिक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड तैयार करके एक दूसरे को इन्फ्लुएंस और आकर्षित करेंगे। ऊर्जा के उस दिव्य पुंज से जन्मी देवी वो शक्ति है जो हमें सींचती है अपनी ऊर्जा से, आधार देती है, आकार देती है हमारे सपनों को, जिससे हम एक बेहतर कल और बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। उसके कई रूप हैं, वो बहन है, बेटी है, माँ है, दोस्त है, जीवन साथी है, लेकिन ध्येय सिर्फ एक, संपूर्ण सृष्टि को अपनी ऊर्जा के आंचल में पनाह देना। शिव की पार्वती है, राम की सीता भी, कृष्ण की राधा है, विष्णु की लक्ष्मी भी, जो नियंत्रित रखती है ऊर्जा के प्रवाह को, जो शक्ति है नए सृजन की, जो शक्ति है इस ब्रह्मांड की, जिसके बिना कोई अवस्था नहीं, कोई आधार नहीं, कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं। आप कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं।